नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 31 अगस्त 2023 गुरुवार का दिन है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष आज स्नान दान पूर्णिमा तिथि। नक्षत्र है आज सतभिषा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:36 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह प्रातः 5:48 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी कुंभ राशि पर। आज का अशुभ काल का समय रहेगा तकरीबन दोपहर 2:01 से लेकर दोपहर 2:59 तक रहेगा। इस अशुभ काल में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की और यह प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि के जातकों, आज रक्षाबंधन का पर्व ही मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार 2 दिन रक्षाबंधन का पर्व था, 31 और आज 31 को। आज शुभ मुहूर्त जो रहेगा 31 को रक्षाबंधन का, वो मिथुन राशि के जातकों बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। आज सुबह 7:05 तक रहेगा, यानी कि आप सूर्य उदय से लेकर सुबह 7:05 के अंदर अंदर राखी बांध सकती हैं अपने भाई को। सभी बहनें विधिवत पूजा थाली को सजाकर, यानी कि इसमें हर चीज़ डालकर आप अपने भाई की राखी बांधें। चलिए अब विस्तार से बात करेंगे राशिफल की। तो देखिए, आज मिथुन राशि के जातकों, इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन होगा, कई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही जगह से सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, नौकरी में रुके हुए तमाम कार्य भी पूरे होने का योग भी बन रहा है, साथ ही बिजनेस व्यापार में धन लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों आज बड़ी तेजी से ग्रो करेंगे, यानी कि आज कई क्षेत्रों में आज आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, नौकरी बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, रुका हुआ फसल धन प्राप्त होगा, बिजनेस व्यापार में कोई तरक्की मिलेगी तो वो भी महत्वपूर्ण डील के रूप में, साथ ही बैंक से लोन वगैरह मंजूर हो सकता है, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, घर व्यापार में वृद्धि होगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, धन संपत्ति का लाभ होगा, कार क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा, जो कार आप अभी तक अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करते नजर आएंगे, धन संपत्ति में तेजी से मुनाफा होगा, बड़े अच्छे योग बनेंगे आज के दिन। आज पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे, संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे, साथ ही आज जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी आज आपके हर कदम से कदम पर साथ देते नजर आएंगे, मतभेद खत्म होंगे, आपसी तनाव जो था वो भी खत्म होगा, आज अपने करियर पर फोकस बना के रखेंगे, विदेश की यात्रा होगी, विदेश जाने का शुभ समय आज का दिन बन रहा है, साथ ही कोई पुरानी जमीन प्रॉपर्टी जो लंबे समय से नहीं बेच पा रहे थे तो आज बेचने का मौका मिलेगा, साथ ही बता दें कि इनकम बढ़ेगी, कार क्षेत्र में लाभ होगा, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, शिक्षा में सुधार होगा, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होगा, गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर आपने अप्लाई किया है या फिर कोई एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ शिक्षा में अड़चनें और व्यवधान भी आ सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, पेट के समस्या, लीवर, एसिडिटी, गैस, बीपी या फिर शुगर की समस्या देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खान पीन की चीज़ों में परहेज करें, साथ ही आज माता पिता का सपोर्ट, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, बैंक से लोन वगैरह मंजूर होगा, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, नए वाहन का आप यानी कि खरीदारी कर सकते हैं, सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे, पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे, प्रेम जीवन में खुशियाँ, लव लाइफ अच्छी रहेगी, जो लव पार्टनर को कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहते थे आज दे पाएंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, आज बहुत ही अच्छा दिन रहेगा, आज आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होंगे, धर्म कर्म के कार्य होंगे, आज चूंकि रक्षाबंधन का दिन भी आज है तो भाई बहन का एक यानी पावन दिन भी रहेगा, इस बार चूंकि 2 बार मनाया जा चुका है, 31 और आज 31 को भी, तो आज अपने भाई को आप यानी कि राखी बांधें और साथ ही साथ विशेष सावधानी भी बरतें, बहुत ज़रूरी है सावधानी, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें बिल्कुल ना करें, काले रंग के कपड़े ना पहनें, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। तो आज ओवरऑल कहा जाए तो करियर से लेकर बिजनेस व्यापार तक आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, कई महत्वपूर्ण खुशखबरियां प्राप्त हो रही है, आज आपका शुभ रंग रहेगा नीला, भाग साथ निभा रहा तकरीबन आपका 80%। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।